जकड़ लो उसके हाथ आपके साथ तोड़ देंगे, अपन बुलाओ जंजीरा वालों को, जंजीरा डाल के उसके हाथ आप काट लेंगे। बोल काट लेना क्या तेरे हाथ, हाँ जबान से बोल काटने का। जकड़ लो उसके हाथों को, जकड़ो तेज जकड़ो, हाँ चला पूरी ताकत लगा क्या, जल्दी लगा पूरी ताकत, और जोर से, और जोर से, पूरी ताकत से हाजिर हो। हाँ जकड़ो उसको अंदर से तेज जकड़ो, हाँ चल बोल कब मारने वाले थे बच्ची को, अम्मास में पुन्नम में काय में मिला के खिलाए थे, अम्मास में मारने वाले थे पुन्नम में, तड़पा तड़पा के मारने वाले थे, हाँ बीमारी बदल के जादू करने वाले किधर के, उसके ससुराल की तरफ के, मायके की तरफ के, मायके के ससुराल के, दो चार साल में मारने वाले थे उसको, जोर से और जोर से और जोर से, हाँ टाइम मिला के खिलाए थे उसको, टाइम मिला के खिलाए थे उसको, पंखे की स्पीड कम, दरवाजा, हाँ टाइम मिला के खिलाए थे। जबड़ो उसको और तेज से, किधर के थे करने वाले, किधर के थे जादू करने वाले, वो बच्ची का क्या लिख गए थे, क्या लिए थे, कपड़ा लिए थे, क्या लिए थे, बाल लिए थे, जोर से सबको सुने आना, हाँ कौन करा था जादू, वो औरत ने, आदमी ने, आदमी औरत, औरत थी, कैसी है वो औरत, उम्र की है, जवान बच्ची है, औरत है, बुढ़ी है, कौन है, हाँ और ये बच्ची की क्या दुश्मनी थी ऐसी, इसके आंग में क्यों डाले लाके, तड़पा तड़पा के मार रहे थे इसको, मियां भी झगड़े भी लगा रहे थे, संसार नहीं होना बोल के टूट जाना, कौन है तुम्हारे बच्चे, कितना टाइम हो रहा, बच्चे नहीं होना बोल के भी जादू कर रहे, बच्चे नहीं होना बोल के और संसार टूट जाना, तुझे कहाँ से लाए, शमशान से लाए, कब्रस्तान से लाए, कब्रस्तान से, शमशान से, फिर जादू चलाए खाली, बच्ची का क्या लिया था जादू चलाते वक्त, कपड़ा, बाल, बाल लिए थे, पैर की मट्टी, वो कुछ खिलाए बच्ची को कहीं के अंदर मिला के, किस चीज में खिलाए, बिरयानी थी, सालन था, चावल, सालन, शादी में करे, हाँ अच्छा जोर से बोल सबको सुने आना, हाँ शादी में कराई, कौन कर रहे थे वो, बोल मालूम नहीं, किस चीज में खिलाए थे, ये बच्ची को संसार नहीं होना, बच्चे नहीं होना बोल के करे जादू तो ना, बच्चे नहीं होना, हाँ और जीना नहीं दोनों की मरा जोर, हाँ और टूट जाना नहीं रहना अच्छे तो एक दूसरे के अंदर बोल के, हाँ कारोबार की बरकत भी उड़ाए, उड़ा दिया, शादी के बाद से ज्यादा हुआ क्या, नहीं सची पूरा शादी ही जब से ज्यादा करे, तुम्हारी दूसरी शादी थी, नहीं किस किस सेकंड सा, किस किस शादी दूसरी, घर में दूसरी शादी है जब से करे, अच्छा कौन कर रहा था वो, कहाँ के थे लोग करने वाले,
बोल नाम, बोल शाबाश, बोल नाम। नहीं मालूम नाम। बोलना पड़ता, मैं तो बहुत बुरा मारने लगा था, मतलब मैं भी तो हाथ आप ही था सब काट देता हूँ। चल बोल, नहीं तो वहां था तोड़ के ले लेता हूँ। ये बच्ची के साथ बोल के घर के छोड़े। जोर से बोल। मियां बीवी नहीं रहना, जीना नहीं बोल के घर के छोड़े। हाँ, और कुछ नहीं रहना बोल के क्या था कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। उसका क्या नाम है? इरफाना। इरफाना की शादी नहीं होना बोल के जादू कर रहे हैं क्या? हाँ, जोर से बोल। जबरदस्त है वो। हाँ, शादी नहीं होना बच्ची की वो। और उन्हें झूर झूर के मारना। हाँ, अच्छा, घर में एक दूसरे के साथ कोई नहीं रहना। अच्छा, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। हाँ, हाँ, हाँ। ये बच्ची को देख के बहुत जने जलते हैं उनके खानदान में। हाँ। माँ के तरफ के भी जलते हैं, बाप के तरफ के भी जलते हैं। दूसरी शादी हुई जब तो ज्यादा करके गए। और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले किसको मारने वाले उनके घर में से? सबसे पहले किसको मारने वाले हैं? तो नहीं है। बर्बादी लगा के तड़पा तड़पा के मारने वाले है। और क्या कर रहे हैं? अम्मास पूनम में हर अम्मास पूनम को वारा कर रही। बच्ची का फल बराबर हो रहे। वो धब्बे पड़ते। और पेट में दर्द होता। और यहाँ भी लड़ लेते। और अच्छा, जादू कहाँ से चला रहे थे? कब्रिस्तान से, मसन वाटिया से, मसन गट्टी से, या फिर इधर से कब्रिस्तान से? कहाँ से चल रहा था ये? जोर से, शमशान गट्टी से। कौन से एरिया की है वो शमशान गट्टी? कौन सा एरिया है वो? हाँ बोल। गाँव का नाम मालूम नहीं मेरे को। बोलने तो मैं हाथ काट के जला देता हूँ देख फिर पूरे। मालूम नहीं है। बोलने तो जला देता हूँ, यहाँ तक भस्म कर देता हूँ पूरे। मेरे को सच में मालूम नहीं, नहीं है। नहीं, बोलना पड़ता है, पूरा जला देता हूँ। लाओ उसके हाथों में आग लगाओ तीज से। सच में मालूम नहीं है। अच्छा, कौन लोग है जादू करने वाले, उनका नाम बोल। जादू किसने करा उसका नाम बोल। एक नाम भी नहीं मालूम, मगर ये बच्ची के ऊपर चला है, शादी के बाद से चला है। तेरे को भेज दिया और तू आ गया उसको मारने को, तबाही बर्बादी करने को, है ना? मेरे आंख में है नहीं। हाँ। जादू चला है खाली। जादू है, जादू है। जादू कैसा बात करता, छल करने को देख रहा, नालायक छल करता रे कमीने, पूरा जला के भस्म करता हूँ। जकड़ो उसको और तेजी से। और वो दूसरी बच्ची जो है उसका रिश्ता नहीं होने दे रहा, तो तूच कर रहा है वो दूसरा है जादू, वो कौन करे? वो कौन है वो? वो बच्ची के माँ, माँ बाप के तरफ के, बाप के तरफ के, माँ के तरफ के? उनके बाप के तरफ के। अच्छा, उनके बाप को क्या करे, जादू करके मारे या खुद ब खुद मारे थे उन्हों बच्ची के बाप को? वो सही बोल। और क्या मालूम है तुझे, पूरा सब सही सही बोल यहाँ पे। कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा परेशान कर दे रहा, कर दो बोल रहे लोग, को छोड़ दे रहे जादू से तो मारने को लोगों को, है ना? और क्या बोले थे बच्चे, मातूम बोले थे बच्ची को? हाँ। हाँ? बच्चे नहीं होना, परेशानी रहना। हाँ, और मियाँ भी अच्छे नहीं रहना होगा। हाँ, और तबाही बर्बादी को लगाना उतना ही। और ये बच्ची क्या क्या करता करता था, बच्ची क्या तकलीफा देता था तू? क्या नाम है पेशेंट? यास्मिन। यास्मिन, यास्मिन भी को क्या परेशान करता था तू? पेट में दर्द। जोर से, पेट में दर्द होता। हाँ, और क्या करता था? और गले में दर्द होता। गला तू दबाता था क्या मार देने को? नहीं, दर्द होता। वो थायराइड है तो
थायराइड की बीमारी जरूर से लगाए। चल ठीक है, मेरे को दूसरे चक्कर तक सबके नाम याद करके आगे सुनाना। नालायक थे, कौन डाले थे, कहाँ से लाए थे, जादूगर कौन था, उसको कितने पैसे दिए थे, क्यों जादूगर थे, क्यों जान ले रहे थे, उसकी क्या दास्तान थी, सब याद करके आगे सुनाना। तो दूसरे चक्कर तक तुझे पूरा भस्म कर दूंगा। किसी की जिंदगी से बर्बाद नहीं करना कमबख्त। जकड़ लो उसको तेजी से, उसको आज रात 12 बजे के बाद जंजीर डाल के खूब मारो उसको, जकड़ के। पानी डालो इसमें, पानी डालो जल्दी जरा। क्या नाम लो? यास्मीन बेगम। ओए यास्मीन बेगम, हेलो, पानी पियो। अरे क्या हुआ था तुम्हारा? पानी पियो। ओए यास्मीन बेगम, क्या हुआ था? अभी क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, पानी कस का गिर गया टांग पे? बारिश में भीग के आए क्या बाहर से? नहीं तो आप। अच्छा, अभी यहाँ सवाल जवाब करे कुछ याद है क्या? हाँ, कुछ भी नहीं। ये याद है क्या इनको? ने तो हाँ, वो कौन है? देवर है हमारे। वो ननंद है। अच्छा, अभी कुछ तो भी तुम्हारे आंग में शय थी और कुछ सवाल जवाब हुए, क्या हुए उसने है रिकॉर्डिंग में देख लो, मालूम हो जाता। मेरे को ऐसा होता है, एक बार बेचैनी होती, मार लेना मर जाना बोलता थी। क्या होता था पहले? ऐसा एकदम सामने वाले के ऊपर गुस्सा आता था, अरे तो ऐसा बहुत एकदम दिमाग मर जाना कुछ तो कर लेके ऐसा हो रहा था मेरे को 3-4 महीने से ऐसा हो रहा। अच्छा, सुसाइड अटेम्प्ट करना मालूम रखा। हाँ, ऐसा हो रहा। देखो, ये जो आंग में उनकी शय थी जो अभी हाजिर हुई थी, वो शय उनको क्या बोलते थे, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करा ली थी। और उसका भी तो शहीद तो अभी ज्यादा मारे नहीं, उसको अगले चक्कर तक मार पड़ेंगे, कमजोर होगा वो, फिर उसके बाद आगे मारना। बोल तो मैं मेरे हाथ से नहीं मारता, कौन मार रहा क्या मार रहा दिखता नहीं, मगर उस शहीद को बरोबर मार के कमजोर करते। और मारना हाथों से, चपला जूतों से मारना बोलते, वो इलाज नहीं रहता, वो गलत रहता, झूठ बात है। मारने का तरीका रहता बगैर टच करके मार पड़ना शैतान को, तो उसको बोलते इलाज से। तो अब उसको जब मारेंगे दूसरे चक्कर में, जब उन्हें सब बोलेगा सब सामने आके, अभी तो सब बोल दिया उन्हें सब, क्या क्या दास्तान है, क्या क्या सब लोग देख रहे थे इसमें, तो रिकॉर्ड देख लो, ऐसा गलत है, ये गलत है, एक दूसरे के बच्चों पे ऐसे जादू टोने करना, जिंदगियां खराब करना बहुत गलत बात है। अल्लाह कुरान में भी फरमाता सूरह बकरा में, मेरी शादी में जब से मेरे को कुछ भी ऐसा निकलता रहा हॉस्पिटल में, बता ले गोले तुम्हारे गले में कुछ दर्द होता क्या? गले में भी हो रहा, अभी शैतान बोला आके तुम्हारे गले में दर्द करा, पेट में भी दर्द हो रहा मेरे, वो भी बोला उसके अंदर, वो भी रिकॉर्ड है तुम्हारे पेट में भी दर्द करता करते हुए। अभी मेरे साथ सवाल जवाब वाले कुछ याद है क्या तुम्हारे को? एक भी याद नहीं। देखो उनके आंग पे आया तो 100% हाजिरी थी, यानी 100% को तो पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता, एक भी सवाल नहीं। पेशेंट खाली उतना याद रहता, आगे बैठा पीछे हटा वैसे इतना, बाकी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब उसको याद नहीं होते। शायद थी ने भी आगे क्या करा, क्या क्या दास्तान थी, सब बातें बोला, कितने सही बोला, इनको पूछे उनके शोर है, क्या बोल रहा था, सही बोला क्या सब बातें? हाँ, लड़ाई झगड़ा तो हो रहा मियां बे में, बात रहती इसने कुछ भी, दोनों भी गर्म होते, लड़ते मर जाती हूँ करते हूँ बोलते हैं, वो उन्हें करता अंदर बैठ के मरने की वसवसे डालता। इसलिए हर नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बनाओ, कम से कम हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो एक बार फजर में पढ़ो या दिन निकलने के बाद पढ़ो, तो अल्लाह सूरज डूबे तक तुम्हारी हिफाजत करता। सूरज डूब जाने के बाद एक बार का मामूल बनाओ, कैमरा से बसो एक बार का, ऐसा यूं आओ कैमरा सामने से लेके आओ फ्रंट में, मामूल सूरह यासीन पढ़ने का बनाओ। बाद नमाज फजर की एक बार अगर तुम पढ़ लिए तो सूरज डूबे तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता, ये हर चीजों से, शैतानों से, जादू टोनों से। क्या पता तुम आओगे तुम्हारे बाजू में कौन बैठने वाला, तुम पे क्या कर रहा। और मैं तुमको कोई ऐसे बेबुनियाद बातें नहीं बताऊंगा, और कोई ऐसे फजूल के लाया नहीं बातें नहीं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल हो रहा है, आप जो दुनिया देख रही है अपने आंखों से, वही मैं उस पर ही लेक्चर दे रहा हूँ, और वही दास्तान तुम्हारा जो मैं प्रैक्टिकल बताया उसी पर जो तजुर्बा है मेरा वही बता रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि सूरह यासीन को तुम ढाल बनाकर यूज करो, इतनी बड़ी ताकत है सूरह यासीन, अल्लाह ने दी, कुरान शरीफ का दिल है वो। तुम अगर बाद नमाज फजर के पढ़े तो अल्लाह सूरज डूबे तक तुम्हारी हिफाजत करता, सूरज निकल डूब जाने के बाद पढ़ेंगे तो तमाम रात हिफाजत करके दिन का सूरज निकले तक हिफाजत करता। इसलिए कंटिन्यू में मामूल बनाओ, जब तुम्हारा मामूल बन जाएगा तो खुद ब खुद जबानी याद हो जाएगा, और जबानी जब ये चीजें याद हो जाएंगे तो कोई शयातीन कोई भला बदतर तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेंगी, बशर्त कि तुम पहले से इबादत करते रहे तो कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना नहीं चला सकता, और चल भी गा तो कट जाता हो। और तुम अगर जादू टोना चलने के बाद इबादत की रस्सी को थामने जाएंगे तो उन्हें वो रस्सी को पकड़ने ही नहीं देता इबादत की, तुम्हारे इबादत की डोर थामने ही नहीं देता शैतान, जाने ही नहीं देता वहां तक, ये भी देख लो तुम आजमा कर। तो इसलिए बेहतर है कि मत करो ऐसे हरकतें, गुजर पे जादू टोना। और सबसे मेरा यही कहना है कि
इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हर नमाज के बाद में सूरह यासीन पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो। सूरह रहमान कुरान शरीफ की सजावट कहा गया है, जैसा दुल्हन की सजावट घूंघट मेकअप जो रहता वैसा कुरान पाक की सजावट सूरह रहमान है। फिर अंदर और भी अल्लाह ने एक से एक अंदर आयाते हैं सूरह रखे ले, उनकी फजीलत इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। पढ़ो, तुमको विरासत में मिला, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमान ने पढ़ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ सकते हैं, हर जबान में पढ़ सकते हैं। तुम लाओ, तुमको हर जबान में कुरान मिलती है, ट्रांसलेशन करो। तुमको अगर दिल का सुकून नहीं मिल रहा होगा, कोई धर्म और कोई जात वाले के वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, इंसानियत के वास्ते बोल रहा हूँ। कोई भी इंसान चाहे कोई भी जात करेंगे, उसको दिल का सुकून अगर नहीं मिल रहा होगा, उसको तो बेचैनी और चैन सुकून एकदम अजीब गरीब कैफियत से सुकून नहीं मिल रहा, उसको समझो दिल का उसका सुकून भी सुकून होगा। तो उन्हें सिर्फ कुरान पढ़ के देखो, तुम कुरान लाओ हर जबान में मिलती है, उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर देखो तुमको कैसी अजीब सी एकदम सुकून और खुशी महसूस होगी पढ़ने के बाद, तुम खुद महसूस करेंगे बातों को। इसलिए मुसलमानों की विरासत में नहीं उतरे आला कुरान, मुसलमान पढ़ना, हर धर्म हर जात का इंसान पढ़ सकता है उसको। सबके लिए आप को रहमतुल आलमीन बना के अल्लाह ने भेजा है, सारे आलम के लिए किताब है वो, कोई विरासत में किसी को मिले नहीं, सब इंसानियत के लिए उतरे आ लिए। सब अमल करो और ऐसे एक दूसरे पर जादू टोने करके जिंदगियां खराब मत करो एक दूसरे के, ये बहुत बुरी चीज है। तुम दूसरों के वास्ते खड्डा खोदेंगे तो तुम भी खड्डे में जरूर गिरेंगे, ऐसा मत सोचो कि हम किसी और को खड्डे में डाल देंगे, हम उसके वास्ते षड्यंत्र रच देंगे, हम उसके वास्ते जाल बुनेंगे। अरे तुम भी एक दिन जाल में फंसेंगे ना, क्योंकि ऊपर वाला बैठे वाला ना इंसाफ करने बचने वाले तो नहीं है कोई। बहुत सारे बातें खैर कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह तुम सबको अमल करने की तौफीक दे। जो मैं देखता जो मेरा तजुर्बा है वही मैं बताता, फजूल के लाया नहीं बातें नहीं करता मैं, वो किताब पढ़ लिया हूँ कहानियाँ किस्से नहीं सुना रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल देखता हूँ वो सुनाता हूँ तुम आप सब। चलो ठीक है, कुरान शरीफ कहाँ से आए तुम लोग? इबादत ज्यादा से ज्यादा करना, नमाज पढ़ना 5 टाइम की, फजर की नमाज पढ़ना, फजर गमा दे रहे बिस्तर में, जोहर गमा दे रहे कमाने में, असर गमा रहे खाने में, ईशा गमा दे रहे टीवियां देखने में, ऐसा मत करो ना। पढ़ते रहते हैं मगर नहीं होता, पढ़ते नमाज पढ़ते यासीन पढ़ते कुरान भी पढ़ते रहते हैं मगर मेरे को अम्मा को और मेरे को पुण्यम को मेरे जिस्म पे सामने और धब्बे पड़ते वो क्यों पढ़ रहे थे क्या था वो, अभी आ गया रिकॉर्डिंग है ना, तुम देख लो मेरे मुंह से मैं क्या बोलूं, तुम्हारे मुंह से कोई हाजिर हुआ था ना कुछ बोल के गा उसने, कौन था क्या था तुम रिकॉर्डिंग देखो तुमको समझ में आता। और रही बात आगे जिसका भी नाम निकलेगा करेगा उनको लड़ना जी करना नहीं, क्योंकि वो तुम जाने वो मैं जाने, जिसका भी नाम निकला तो समझ गए चलो। हाँ रोक।